आज लातूर के इस ओसा तालुका के ओसा गांव में जो गायरान जमीन के लिए और भूमिहीनों की जमीनों की लड़ाई के लिए एक परिषद का आयोजन किया गया है। हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारत एक खेती प्रधान देश है, लेकिन जो भारत के अंदर रहने वाले खेत मजदूरों और खेडूतों की जो हालत है, और उसमें भी खास करके महाराष्ट्र के अंदर बहुत बार हमने गुजरात में भी न्यूज में और अखबारों में इंटरनेट के माध्यम से देखा कि महाराष्ट्र के अंदर खास करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में कई जगह खेडूतों को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसी उनकी आर्थिक परिस्थिति है। इसी तरह से पूरे भारत के अंदर जो खेडूतों के आज के भारत का खेती प्रधान देश होते हुए खेडूतों की इतनी सारी प्रॉब्लम है और जिसके लिए सरकार आज तक कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। खेती से होने वाली इनकम भी इनकम टैक्स फ्री होता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी खेती के अंदर उपयोग में लाने वाले कई औजार हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सभी अन्य स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स लगा के रखे हैं। सबमर्सिबल पंप के ऊपर भी जो 8% टैक्स लगा था, उसके लिए भी आठवले साहब ने भी बहुत बार रजूआत करके उसको भी कम करवाया था। इस तरह से जो खेडूतों के लिए आज महाराष्ट्र के अंदर ये परिषद का आयोजन किया गया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज गुजरात के अंदर गुजरात का जो विकास हो रहा है, पहले महाराष्ट्र नंबर वन हुआ करता था, लेकिन आज गुजरात में बहुत बड़ा विकास हुआ है। गुजरात के सूरत से निकलने वाली नर्मदा आज कच्छ, जहां से 800-900 किलोमीटर है, नर्मदा का पानी गुजरात में छेक कच्छ तक जा रहा है। इस तरह से जो महाराष्ट्र के लोगों के खेडूतों है उनके लिए जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सबको एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह से आठवले साहब महाराष्ट्र के अंदर सभी दलित गरीब पीड़ित शोषित लघुमती और तमाम समाज के लिए काम करते हैं, महाराष्ट्र के सभी जिला सभी तालुका गांव गांव में आठवले साहब रात दिन 24 घंटे में से 18 घंटे तक काम कर जाग जाग के यहाँ से वहाँ प्रवास कर करके जिस तरह से मुलाकात लेते हैं और सब लड़ाई लड़ रहे हैं आठवले साहब के हाथ मजबूत करने के लिए। हमारी समस्याओं का अगर हमें समाधान चाहिए तो आठवले साहब के नेतृत्व में इसी तरह से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से आठवले साहब महाराष्ट्र में यहाँ गांव गांव तालुका तालुका में घूमते हैं, उसी तरह से आठवले साहब के नेतृत्व में गुजरात में भी कोई जिला कोई तालुका कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ आठवले साहब नहीं आते हैं। जिस तरह से आठवले साहब यहाँ काम कर रहे हैं, उसी तरह से आरपीआई गुजरात में भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अगर आरपीआई को मजबूत बनाना है तो आठवले साहब के साथ में रह के उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।